ये एक्चुअली बिग बॉस तो मेरे लिए हमेशा से स्पेशल रहा है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि एक दो एपिसोड को छोड़ करके मैं देख ही नहीं पाया। कंटिन्यू शूट चलता था, सुबह 7 बजे से शूट करते थे, रात के 12-12 एक-एक बजे तक शूट करते थे हम लोग। ओके, मेहंदी लगा के रखना पार्ट टू का शूट चल रहा था और उसके लिए हम लोग छत्तीसगढ़ में थे, तो वक्त नहीं मिल पाया है। वैसे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं सुप्रियांशी को और जितने भी यहाँ पे प्रतिभागी लोग आए हैं, सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरीके से बिग बॉस अभी शायद इस बार सीज़न 11 था, राइट, तो 12 बने, 13 बने, 14, 15 तक बने, हमेशा बनते रहे और हम लोग देखेंगे उसको। तो काफ़ी मशहूर प्रोड्यूसर और एक्टर दोनों हैं, भोजपुरी के कई स्टार्स गए और जीते भी बिग बॉस में, क्या कहना चाहेंगे कि कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बनती है? बिल्कुल, बिग बॉस की जब शुरुआत हुई थी तो हमारे भोजपुरी हीरो लोगों से ही हुआ था। पहला रवि भैया थे शायद पहले में, उसके बाद मनोज भैया आए थे, तो भोजपुरी के हमेशा से कलाकार उसमें हिस्सा लिए हैं। इस बार बिग बॉस में नहीं थे भोजपुरी के कलाकार, उम्मीद करते हैं कि अगले साल भोजपुरी के कलाकार भी हों उसमें। बिग बॉस की बात करें तो सब्र रखना पड़ता है शो में, 50 दिन 55 दिन रहना पड़ता है, इस थोड़ा सा दिखावटीपन भी है, तो आपको ऑफर किया जाए तो आप दोनों से बर्दाश्त कर सकते हैं? मुझे ऑफर करेंगे लोग तो बाकी के जितने भी प्रतिभागी होंगे उनके लिए खतरा हो जाएगा, क्योंकि मैं ही विनर बन के निकलूँगा। पेशेंस रखना पड़ता है, हर चीज़ में पेशेंस होना चाहिए, और अगर पेशेंस नहीं होता तो आज हम एक्टर नहीं होते, क्योंकि मुझे जो पहला ब्रेक एज ए हीरो मिला था 2013 में दिलदार संवरिया, और मैं मुंबई भाग करके आया था अपने घर से, वो 2002 में आया था, तो 11 साल के लंबे सफ़र के बाद मुझे खुद ब्रेक मिला एज ए हीरो। तो 11 साल अगर मेरे अंदर पेशेंस नहीं होता तो शायद मैंने मुंबई में 11 साल नहीं निकाले होते। बड़े मुश्किल भरे वो दिन थे जिन्हें अब याद नहीं करना चाहता हूँ। ईश्वर ने अगर दो वक्त की रोटी दी है तो उसको इंजॉय करना चाहता हूँ, ना कि अपने दुख भरे दिन याद करना चाहता हूँ।